भाई सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। होटल में खाना खाने के लिए गर्म रोटी नहीं मिली तो विवाद इतना बढ़ गया कि दो बदमाश हाथों में चाकू लेकर होटल मालिक को दौड़ा लिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, मगर तभी दो बदमाश चाकू लेकर पहुंचते हैं और होटल में रखे खाना गिरा देते हैं। होटल में बैठे ग्राहकों में भी अफरा तफरी मच जाती है, हर कोई खाना छोड़कर जान बचाकर भागने लगता है। ये पूरा मामला मध्य प्रदेश के इंदौर का है, जहां एक होटल में दो लोग खाना खाने के लिए आते हैं और गर्म रोटी की डिमांड करते हैं, मगर गर्म रोटी न मिलने की वजह से ये दोनों नाराज़ हो जाते हैं और चाकू लेकर हमला करने की कोशिश करने लगते हैं। ये पूरी वारदात होटल में लगी CCTV में कैद हो गई है, मगर अभी तक इन दोनों को पकड़ने में पुलिस के हाथ खाली है। मिली थी जिसमें कि एक दुकान पर खाने में गर्म रोटी और न देने की बात को लेकर कुछ विवाद हुआ था, तो उसमें कुछ बदमाश दिख रहे हैं जो कि सामान उन्होंने गिरा दिया, दुकान का बेंच वेंच गिरा दी है और जो खाने का वो कपेला वो गिरा दिया था, उसको से हम लोग पकड़ पंजीबद्ध कर रहे हैं अपने, और उनकी पहचान हो चुकी है बदमाशों की, ग्राफिक पाउडर और उसका लड़का उसमें दिख रहा है फुटेज में। अभी लोग घर से फरार हैं, लगातार दबिश दे रहे हैं और उस पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। और हाँ, आपराधिक रिकॉर्ड है और ये बदमाश प्रवृत्ति के हैं, तो इसलिए इसको हमला किया था, उसको हम लोग थोड़ा उसको वैधानिक कार्रवाई करके कार्रवाई करें।